नमस्कार, मैं रोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं रायबरेली एक्सप्रेस। आज हम आपको रायबरेली की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ रायबरेली एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाख दावे और लाख प्रयास करें, लेकिन भ्रष्टाचार है कि रोकने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आया है, जिसमें रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाह्य चौकी इंचार्ज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हिसाब से वहां के चौकी इंचार्ज रिश्वत ले रहे हैं। इस पूरे मामले को जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उच्च अधिकारी इस पूरे मामले में जांच के आदेश देकर कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह जरूर होगी कि क्या खाकी के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर पाती है या नहीं। कन्हैयालाल यादव तो गंगा प्रसाद, इनका क्या भूमिका है? सर ननई ने जो हमारी पिताजी कुटी बनाए थे उसको बेच दिया उसके नाम, जबकि कोई कन्हैयालाल ने। हाँ, कन्हैयालाल क्या लगते हैं आपके? तो ये भीखी के हैं ऐसे। हाँ अच्छा, कन्हैयालाल पूरे भीखी के। विजय पुत्र गंगा प्रसाद, ये जमीन इसमें है पूरे पूरे भीखी भाई पूरे राना में है। ये पूरे राना में जमीन। तो क्या करना कि कोई और काम ना कर पाऊँ? हाँ सर, हमारा गन्ना पोर्ट में चल रहा है, तो चाहे हम हो चाहे वो। नंबर आपका लिखा ही है। हाँ, सुबह सुभा को जमीन पता कराओ, फिर देखते आज हम आपको। ठीक है, रंजीत। हाँ दादा। और दादा सब ठीक है? दादा सब ठीक ठाक है। तुम्हारे पापा पापा जो है शादी हुई 12 जुलाई से, आपको बतावा जुलाई के बाद अगस्त बीता, सितंबर बीता या अक्टूबर। सूचना मिली लोगों के द्वारा बाहर बाहर कि वहाँ पे हैं, गंगा उस पार हैं लोग। गए ना तो गए वे पार, तो जानकारी मिली। मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर हैं, पेट्रोल भर नहीं देगा। कहाँ जाते हैं तो हम से कहीं कहीं जाओ। एक वीडियो आया है जिसमें एक चौकी इंचार्ज है रुपए ले रहे हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जाएगी विभाग द्वारा? जैसा एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पे जो लालगंज थाना क्षेत्र के बाही चौकी है वहाँ के सब इंस्पेक्टर अलाउद्दीन वो किसी प्राइवेट व्यक्ति से कुछ पैसे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वीडियो में। इस वीडियो की जांच करा करके संबंधित अधिकारी का यदि दोष पाया जाता है तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो वॉइस आ रही थी वो पैसे मांगने कह रहे थे भुगनी कराने। ये पूरे वीडियो की जांच क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा की जाएगी और उसमें जितने भी शब्द आए हैं या जितने भी तथ्य आए हैं सबके बारे में उसको बताया जाएगा कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दें और उस रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसार फिर जैसे भी होगा कार्रवाई की जाएगी।